श्योपुर में एक बार फिर से विद्युत संकट मंडरा सकता है। जिले भर के सभी बाह्य स्रोत कर्मचारियों ने 6 जनवरी को काम बंद हड़ताल को लेकर तहसीलदार संजय जैन और महाप्रबंधक ए.के. आष्टाना को ज्ञापन सौंपा है। इस बार प्रदेश स्तर पर 6 जनवरी को विद्युत कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस बार हड़ताल इसलिए भी भारी पड़ सकती है क्योंकि विद्युत विभाग के सभी संगठनों के बाह्य स्रोत कर्मचारी संगठन की हड़ताल के समर्थन में अपने पत्र जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, विद्युत मंडल, तकनीकी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश, बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन, विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, आउटसोर्स परिषद भोपाल संगठन द्वारा संयुक्त रूप से समय समय पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन के लिए विगत वर्ष में अनेक पत्र, व्यवहार, ज्ञापन और प्रदर्शन किए गए हैं, किंतु अभी तक सरकार का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। क्या मांगे संविदा आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग के? आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुँचे हो, क्या मांगे, किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है? हमारे काफी दिनों से हमारी मांगे चलती आ रही है आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को, जैसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कंपनी में संविलियन किया जाए, इसीलिए हमारी ये मांगे, वेतन वृद्धि पर मांग की जा रही है, वेतन भी बढ़ाना चाहिए।